तो भाई यहाँ पर देख लो अभी भी कितने सारे आइटम बचे हुए हैं। ये बड़े वाला 100 शॉट भी बचा हुआ है, सोनी का सबसे बिग साइज का शॉट भी अपने पास पड़ा हुआ है। Hey guys, welcome back to ठाकुर सौरभ व्लॉग। भाई आज ना एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, और इस स्पेशल वीडियो के अंदर क्या है जो आप लोगों ने डिमांड की थी, बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि स्काई शॉट्स दिखाओ हमें। मतलब पहले भी एक वीडियो, बहुत पहले एक वीडियो में डाल चुका हूँ जिसमें मैंने मल्टीपल स्काई शॉट में आग लगाई थी और दिखाया था कि कौन सा स्काई शॉट किस तरीके का रिजल्ट देता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं स्पेशली सोनी ऐड कर रहा हूँ और साथ में मुर्गा छाप यानी कि कॉक ब्रांड के स्काई शॉट्स भी ऐड कर रहा हूँ, और भी 2-3 तरह के अलग अलग स्काई शॉट्स हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा। इस वीडियो में भाई साहब खर्चा भी बहुत अच्छा खासा हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, और अगर इसी तरीके की वीडियोस आप लोगों को देखना है इन फ्यूचर भी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आओ तो मैं दिखाता हूँ कि क्या कुछ होने वाला है आज की इस वीडियो के अंदर। तो देखो अपने पास आज प्रोडक्ट बेसिकली होने क्या वाले हैं, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर बालाजी का स्काई शॉट अपने पास रखा हुआ है। ये बालाजी का स्काई शॉट काफी बेहतरीन सा है, इसकी जब अभी टेस्टिंग करेंगे तुम्हें पता लगेगा कि ये भाई ऊपर जाके किस तरीके के डिजाइन क्रिएट करता है। फिर आगे अपने पास यहाँ पर आ जाता है जैज म्यूजिक यानी कि श्री कैलाश्वरी कंपनी की तरफ से एक स्काई शॉट। आगे अपने पास देखो मुर्गा छाप, मैंने कहा था आप लोगों को मुर्गा छाप के प्रोडक्ट भी होने वाले हैं। ये स्काई शॉट में इसको मैं इसलिए काउंट कर रहा हूँ, बेसिकली है ये रॉकेट, लेकिन देखो यहाँ रॉकेट लिखा हुआ है, लेकिन स्काई शॉट में इसलिए काउंट कर रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर इसके ऊपर देखो ये शेल लगा हुआ है, और ये शेल स्काई शॉट की तरह फटेगा। अभी मैं ठीक से रख देता हूँ, मैंने कचरा फैला दिया है। और अगेन इसमें एक सेकेंड वेरियंट भी अपने पास यानी कि ये कुछ ऐसा ऊपर जाके ये बनने वाला है, तो इसकी भी टेस्टिंग करेंगे। ये हो गए 4 प्रोडक्ट अभी मैंने आप लोगों को दिखाए हैं। फिर आगे चलते हैं अपने पास, देखो यहाँ पर ऑटोमेटिक करके ये रॉकेट आता है, ये भी स्काई शॉट की तरह है, जैसे पेंटा स्काई शॉट होता है ना, पेंटा मिसाइल गन, उस तरीके की चीजें हैं ये। और मैं इसमें से दिखा देता हूँ, ये देखो कुछ ऐसा प्रोडक्ट दिखता है, स्काई शॉट है ये, प्यारा सा छोटा सा। इसको अभी यहाँ साइड में रख देते हैं। आगे अपने पास देखो ये बॉक्स की हालत थोड़ी बेकार हो चुकी है, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत औसम है, ये ट्राई कलर करके है, ये स्काई शॉट बहुत औसम रिजल्ट देता है। अभी देखना, अभी ही टेस्टिंग होने वाली है इन वीडियोस की, तो फटाफट से इस वीडियो को यार लाइक करो। और अगला प्रोडक्ट देखो अपने पास, ये मुर्गा छाप का, ये स्काई शॉट नहीं है बट इसको मैंने इस वीडियो के अंदर रखा है कि आपको थोड़ी वैरायटी भी दिखे। ये स्काई शॉट नहीं है, ये अनार है और मुर्गा छाप की तरफ से है। आगे अपने पास देखो मुर्गा छाप के प्रोडक्ट भी इस वीडियो में है, तो मैं दिखा रहा हूँ बुलेट, यहाँ पर बुलेट बम भी आ गया मुर्गा छाप की तरफ से, इसको रखते हैं साइड में। अगला प्रोडक्ट जो है भाई अपने पास है सोनी की तरफ से, मतलब ये बिगेस्ट स्काई शॉट है सोनी में, सबसे फुल साइज स्काई शॉट जो आता है वो यही होने वाला है। और इसमें अलग अलग एडिशन आता है, ये टी एडिशन है, देखो विनायका फायरवर्क्स है यानी कि सोनी है प्रॉपर, और इसमें अलग अलग वेरियंट आते हैं वो दिख रहा है यहाँ पर। अब इसको साइड में रखते हैं और आगे चलते हैं। ये देखो ये है, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा गोल्डन कोर करके, ये मुर्गा छाप का स्काई शॉट है, स्पेशली मुर्गा छाप ने इसे बनाया है, और आज इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने आएगा कि ये कैसी परफॉर्मेंस देता है। देखो नेक्स्ट आइटम अपने पास आ जाता है जादू यानी कि सोनी विनायका की तरफ से जादू, ये स्काई शॉट भी काफी कमाल का होने वाला है, इसकी टेस्टिंग अभी जब करेंगे तुम्हें सीरियसली नजारे दिखाई देंगे आसमान में। फिर आ जाता है अपने पास ये भाई, ये नाम पढ़ लो यार, कोकेटो करके है, कोकेटो नेम से ये स्काई शॉट आता है, सोनी कंपनी की तरफ से ही आता है। यहाँ पर आप लोग बड़ा बड़ा लिखा हुआ भी देख सकते हो विनायका, तो इसका भी टेस्टिंग करेंगे। इसमें मल्टीपल शॉट्स हैं बेसिकली। फिर यहाँ पर मुर्गा छाप का रॉकेट है अपने पास जो आसमान में जाएगा बेसिकली, और ऊपर जाके फटता भी है ये। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर अपने पास ये बड़ी पेटी है, इस बड़ी पेटी के अंदर भाई कोई सिंगल शॉट नहीं है, इसके अंदर 100 शॉट है, मतलब 100 स्काई शॉट एक के बाद एक ऊपर जाएंगे, फटेंगे, ऊपर जाके क्रैकलिंग करेंगे, डिजाइन बनाएंगे, क्या कुछ करेंगे कोई आइडिया नहीं है। ये स्काई शॉट जो है जब टेस्टिंग करेंगे तभी पता चल पाएगा कि ये इसका रिजल्ट क्या है। फिर पीछे की तरफ देखो मेरे यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर है सबसे स्मॉल स्काई शॉट, ये बहुत छोटा स्काई शॉट है, कॉर्नेशन का 2 पीस में आता है, इतना छोटा सा है। फिर आगे चलें तो मुर्गा छाप का एक सिंगल डंडा भी अपने पास रखा हुआ है, गोल्डन क्लस्टर के नाम से आता है, कुछ ऐसा आसमान में जाके ये बनेगा, ऐसा इमेज बनाया हुआ है, बाकी इसको साइड में करो। फिर आता है अपने पास यहाँ पर आजाद का सुपर सोनिक, भाई इसमें 3 डंडे होते हैं और ये भारी भरकम सा भी है, उम्मीद है कि अच्छा ही नजारा दिखाएगा ये हमें आसमान में। फिर अपने पास आ जाते हैं भाई ये कॉर्नेशन के पेंटा, ये जो पेंटा है कई तो पेंटा के नाम से आते हैं, कई पंच अवतार के नाम से आते हैं, अलग अलग नेम से आते हैं, लेकिन है कॉर्नेशन कंपनी का ही, और ये भी स्मॉल स्काई शॉट होते हैं। तो आज की वीडियो में तुम देख रहे हो कि कितने सारे प्रोडक्ट यहाँ पर हैं, मतलब इतने सारे प्रोडक्ट की टेस्टिंग आज इस वीडियो के अंदर होने वाली है, तो वीडियो लेंथी होगी, तो वीडियो को अभी से लाइक करके सब्सक्राइब करके अपना खाना पीना निकाल के बैठ जाओ भाई अपनी स्क्रीन के आगे, और हैंड फ्री लगा लेना ताकि साउंड भी अच्छा मिल पाए। सबसे पहले स्टार्ट करना है टेस्टिंग में कौन से प्रोडक्ट को, इसके लिए कंफ्यूजन हो रही है क्योंकि यहाँ लग चुका है बहुत बड़ा ढेर, और ये ढेर जो है ना भाई यहाँ पर छोटे छोटे भी हैं, बड़े बड़े भी हैं, तो
तो सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले वीडियो के अंदर ना करते हैं कुछ धमाका ही, मतलब ये ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। और इससे स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि भाई इसके अंदर जो शॉट है वो कितना सही है कितना नहीं। ये देखो साइज ये होने वाला है, काफी ठीक ठाक साइज लग रहा है मुझे। अब जलाते हैं, देखते हैं, मजे लेते हैं इसके। तो भाई इस स्काई शॉट ने फुल मजे दे दिया, मतलब पहला ही धमाका और एक नंबर धमाका हुआ। आप लोगों ने देखा ऊपर जाके कितना ब्यूटीफुल डिजाइन बना, मजा आ गया भाई, एक नंबर रिकमेंडेड चीज है ये। तो भाई कॉर्नेशन का ये छोटे वाला लॉलीपॉप की टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं ये क्या करता है, क्योंकि ये साइज देखो यार कुछ ज्यादा ही स्मॉल साइज का है और मुझे नहीं पता कि ये क्या करने वाला है। लॉलीपॉप छोटा सा था बट असरदार था। और अब टेस्टिंग करने वाले हम पंच अवतार, मतलब कॉर्नेशन के ही इस पंच अवतार के, जो पेंटा के नाम से भी कई जगह पे आता है। फटाफट से इसमें आग लगाते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट। पंच अवतार ने भी ऊपर जाके अच्छा काम किया, मतलब जितना इसका साइज है ना भाई उसके हिसाब से इसने ऊपर जाके डिजाइन तो बहुत अच्छा बनाया है। अब नेक्स्ट आइटम उठा लेते हैं यहां से। नेक्स्ट आइटम मेरे हाथ में आ गया है, बालाजी की तरफ से है ये। और बालाजी की तरफ से जो स्काई शॉट आता है इसका साइज एक बार दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। साइज जो है अगेन ये है, लेकिन ये थोड़ा सा यहां पर नीचे की तरफ ना भारी है। जो इसका शैल है वो मुझे लग रहा है कि काफी ठीक ठाक है, तो अभी से आग लगाते हैं। और इसका जो नजारा है ना पैकेट के ऊपर कुछ ऐसा बना हुआ है, अब देखते हैं ऐसा बनता है या कुछ और बनता है। ये बालाजी वाला मुझे उतना ज्यादा खास नहीं लगा, ये बहुत ज्यादा ऊपर गया, लेकिन डिजाइन कुछ मतलब समझ नहीं आया। आप लोगों को समझ आया तो कमेंट करके बताना अच्छा था या बुरा। तो अब नेक्स्ट आइटम दिखाता हूं मैं आपको। देखो नेक्स्ट आइटम अब मैंने बहुत हो गया, आप लोगों को इंतजार और ज्यादा नहीं करवाता। कॉक ब्रांड यानी कि मुर्गा छाप के इस स्काई शॉट को जलाते हैं और देखते हैं ये जो ब्रांडेड है ना, मतलब ब्रांड जो नेम है तगड़ा, वो कैसा रिजल्ट देता है हम लोगों को। गोल्ड क्लस्टर की जो हाइप थी ना मेरे मन में, वो हाइप तो मुझे प्रॉपर नहीं दिखाई दी, लेकिन नॉर्मल था, अच्छा था, ऊपर जाके बना भी ठीक ठाक। बट ये जो चीज दिखाई है ना ये प्रॉपर नहीं बना, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। बाकी इसको साइड करते हैं और चलते हैं अगला आइटम की तरफ। अगला आइटम देखो मैंने अभी आपको दिखाया ना, मुर्गा छाप भी दिखाया, अदर ब्रांड भी दिखाए। मुर्गा छाप का अभी हमारे पास ये गोल्डन कोर भी है, तो पहले इसे लगाएं या सोनी के किसी स्काई शॉट में लगाएं ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि भाई सोनी का सबसे बिग साइज स्काई शॉट भी अपने पास पड़ा हुआ है और इसमें भी लगेगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि कुछ पता नहीं ये कब जले। तो अब हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं अगले आइटम को, जिसमें से इसी को फूंक देते हैं भाई, घूम फिर के ये हाथ में आ रहा है। तो इसका दिखाता हूं तुम्हें साइज क्या है। ये देखो इसके अंदर भी तीन स्काई शॉट है और यहां पर साइज भी इसका नॉर्मल है, इसके अंदर स्टैंड भी आता है इस तरीके का। अब इसमें आग लगाते हैं और इसके नजारे लेते हैं फटाफट से। जैसा बना हुआ है इसके ऊपर डिजाइन, सेम वैसा ही डिजाइन ऊपर जाके बना, लेकिन ये पूरा राउंड बना हुआ है। वो थोड़ा राउंड नहीं, थोड़ा सा मतलब वो क्या कहते हैं यार उसको, कुलचे की शेप में जाके बना है। तो उतना ज्यादा मजेदार भी नहीं था लेकिन बुरा भी नहीं था। अब चलते हैं नेक्स्ट आइटम की तरफ। नेक्स्ट आइटम अपने आप पास पड़ी हुई है यहां पर मुर्गा छाप की तरफ से। भाई इसका नाम देख लो क्या रखा हुआ है, ऑटोमेटिक रॉकेट रखा हुआ है। ऑटोमेटिक रॉकेट में आग लगाते हैं और देखते हैं ये क्या परफॉर्म करता है ऊपर जाके। ये रहा इसका सिंगल पीस, वैसे ये अंदर पैकिंग में इस तरीके से आता है तीन पीस के, और इसको जब फाड़ोगे तो सिंगल पीस निकल आएगा। सिंगल सिंगल करके ही जलाना है, फटाफट आग लगाते हैं। ऑटोमेटिक रॉकेट बहुत अच्छा था, ऊपर गया और फट 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 फट, मतलब टाइम नहीं मिल पाया उसको रिकॉर्ड करने का भी, बहुत तेज था वो। और अब अपने पास है ट्राई कलर मुर्गा छाप की तरफ से, अगेन कॉक ब्रांड की तरफ से। फटाफट इसमें आग लगाते हैं। ये मेरी मतलब फेवरेट चीज है आज के टाइम में, बहुत अच्छा लगता है ये देखने में और आपको भी पसंद आएगा। और पसंद आए तो फटाफट से कॉमेंट करके बताना कि अच्छा लगा या नहीं।
तो ट्राई कलर देखा आप लोगों ने, पसंद आया ना आप लोगों को? ये देखो किस तरीके से मशीन गन की तरह इसमें सारे होल्स हो चुके हैं, कितने प्यार से तीन तीन ऊपर जाते हैं कलर बिखेरते हुए, बहुत अमेजिंग था। तो भाई यहाँ पर देख लो अभी भी कितने सारे आइटम बचे हुए हैं, जैसे कि ये स्काई शॉट बचा हुआ है और ये बड़े वाला 100 शॉट भी बचा हुआ है, और ये सोनी का 25 या 30 शॉट होंगे इसके अंदर, लिखा नहीं हुआ, मैं कंफ्यूज हूँ। यहाँ पर मुर्गा छाप के और भी बचे हुए हैं, रॉकेट बचा हुआ है, और भाई ये रॉकेट वाले बड़े बड़े स्काई शॉट भी बचे हुए हैं, मतलब रॉकेट के ऊपर स्काई शॉट है, अलग ही तरीके के हैं, मुर्गा छाप के हैं ये। तो अभी वीडियो छोड़ के बिल्कुल मत जाना, वीडियो को पूरा देखना। और अब ये करने जा रहा हूं इसकी टेस्टिंग, ये है सुपर सोनिक आजाद की तरफ से, फटाफट से इसमें से निकाल लेते हैं और इसमें भी आग लगाते हैं और देखते हैं ये क्या रंग बिखेरता है ऊपर जाके। अभी आप लोगों ने दिखाई सुपर सोनिक को, भाई ये फटा तो मुझे लगा कि ऊपर गया, जब तक मैं कैमरा ऊपर कर रहा हूँ नीचे कुछ अजीब सा फटा, फिर जब तक नीचे रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऊपर भाई स्काई शॉट फट गया, मतलब पता नहीं क्या ही हो रहा है, हमारा कटा है बहुत बुरी तरीके से, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत क्लिप इसकी रिकॉर्ड हो गई है, तो इसको साइड करते हैं फटाफट से, इतना ज्यादा मजा नहीं आया इसमें नो डाउट। और आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब जलाते हैं मुर्गा छाप के इस रॉकेट को। देखो यहाँ पर ये रॉकेट जो है बड़े आराम से जाएगा ऊपर और फटेगा, फुल मजे देगा भाई, बढ़िया रॉकेट था, एक सेकंड में जमीन से आसमान तक, और फिर बूम, मजा आया इसको फूकने में। और अब अगला आइटम जो है हम लोग ट्राई करेंगे इसको, ये है अपने पास मुर्गा छाप की तरफ से, चलो फटाफट इसमें भी आग लगाते हैं। स्पीड अच्छी थी इसकी और परफॉर्मेंस भी ठीक थी, बट टाइमिंग इसकी बहुत ज्यादा कम थी, साइड में रखते हैं इसे। और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, और नेक्स्ट प्रोडक्ट अपने पास आता है भाई यहाँ पर सोनी की तरफ से, विनायगा का जादू एडिशन, यहाँ देख लो जादू लिखा हुआ है साफ साफ, और ये स्काई शॉट मुझे लगता है कि काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि ये सोनी का है, अभी तक हमने मुर्गा छाप के जलाए हैं, चलो फटाफट इसको भी ट्राई कर लेते। देखो भाई साइज कितना खतरनाक निकला है, ये काफी मोटा ताजा है, हाँ ना भाई, जादू कमाल का जादू दिखाया इसने, एक नंबर लगा मुझे। आपको कैसा लगा यार कमेंट करो, कमेंट करने में कंजूसी मत करो क्योंकि पैसे तो लगने नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब करने में भी पैसे नहीं लगते, ना लाइक करने में लगते हैं, तो फटाफट से कर दो यार। और ये देखो कमाल का स्काई शॉट था, इसको हटाते हैं अब साइड में और अब चलते हैं आगे की तरफ, अपने पास अब है बारी इनके उद्घाटन की, फटाफट से देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। ये है सुपरस्टार रॉकेट और इसमें से निकलता है कुछ इस तरीके का शेल वाला रॉकेट। ये वाला रॉकेट आप लोगों ने देखा काफी ऊपर गया, बहुत ज्यादा ऊपर गया है, देखो लाइव हम लोग देख रहे हैं कैम में, मुझे पता नहीं क्या नजर आ रहा है आपको, लेकिन ऊपर जाके स्काई शॉट की तरफ फटा भी और बहुत ज्यादा हाइट थी। और अब बारी है इस वाले की, ये दिखने में ऐसा ही है, कलर चेंज है और इसमें देखो डिजाइन का भी फर्क है, तो अब इसको अगला आके देखते हैं कि ये क्या डिजाइन बनाता है ऊपर जाके। लगा दिया आग, आई होप ऊपर। ओ भाई ये कहाँ गया, ये नीचे चला गया यार, वाओ। काफी खतरनाक हो सकता है ये भाई, एक तो बहुत ज्यादा ऊपर गया और दूसरा चला गया पता नहीं कहां कौन से देश में, तो भाई इसे अपने ना घर के आसपास मत जला लेना, ग्राउंड में जाना, ओपन स्पेस में जलाना, यूज करना, ये रिस्की हो जाएगा, किसी के घर में चला जाए और वहां पे अलग ही दिवाली चल रही है तुम्हारा दिवाला निकाल देंगे वो लोग। तो देखो वीडियो के अंदर ना ये बचा हुआ है, साथ में ये 100 शॉट बचा हुआ है और सोनी का बड़े वाला बचा हुआ है, तो अभी इसके अंदर आग लगाते हैं, देखते हैं ये कितने शॉट है, मुझे भी नहीं पता है। और ये भाई जो है ना ये कुछ इस तरीके का है, सोनी की देखो ब्रांडिंग पैकिंग सब कुछ मतलब एक नंबर होता है, और स्काई शॉट भी अभी तक जो भी सोनी के जलाए हैं एक नंबर जले हैं, मतलब बालाजी आजाद मुर्गा तक फेल हो गए भाई उसके आगे। फाइनली आग लग चुकी है और देखो कितनी तेज लगती है, थोड़ा सा टाइम ये हमेशा लेता है पता नहीं क्यों। अरे ओ भाई, अरे यार डिफरेंट है ये।
भाई ये जो कोकेटो था ना, इसने कमाल कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे शॉट्स भी निकलेंगे। प्लस बीच में जो एक विस्लिंग वाला राउंड था, मतलब स्पिनर था, चक्री घूम रही थी विस्लिंग के साथ साथ, एक नंबर मजा आया मुझे। आप लोगों को कैसा लगा यार, कमेंट करो यार। इतनी बार बोल चुका हूँ कमेंट करने के लिए, भाई इतनी देर में ना तो भगवान भी कहेंगे तथास्तु। तो तुम भी दे कर दो यार, फटाफट कर दो। बाकी ये काफी, मतलब मेरे चेहरे पे एक्साइटमेंट देख रहे हो, काफी ज्यादा बढ़ चुकी है इसकी वजह से। और अब है बारी किसकी भाई साहब, स्काई शॉट के पिताजी की। मतलब यहाँ पर तुम चेक कर सकते हो, काफी बड़ा साइज है, ऐसे नहीं पता लगेगा तुम्हें। यहाँ चेक करवाता हूँ अब मैं तुम्हें। ये खुल गया है अपना पिटारा, और पिटारे में से निकला है हमारा प्यारा, अरे वाह शेर शायरी आ गई है। पर ये जो स्काई शॉट है काफी ज्यादा बड़ा है, और ये सोनी बनाएगा भाई, सोनी बनाएगा, ऊपर जाके आतंक मचा देगा, पता लगे ऊपर जाके फुस्सी निकला। तुम बहुत गालियां दोगे कमेंट में, बहुत गालियां, लेकिन मुझे लगता है कि सोने उम्मीद नहीं तोड़ेगा भाई। फटाफट से जलाते हैं और देखते हैं ये क्या कर सकता है। तो ये वाले सोनी बनाएगा का स्काई शॉट आप लोगों ने देखा, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी इसकी, दिल खुश कर दिया। ऊपर जाके मुझे ये नहीं पता था कि ये क्रैकलिंग नहीं करने वाला है भाई, मतलब क्रैकलिंग एक नंबर ही है। और फुल आए हैं मजे, पूरा पैसा वसूल। ठीक है अब करते हैं खतरनाक काम। खतरनाक काम क्या होने वाला है, जिसका था सबको इंतजार वो आ गया है। अब की बार 100 शॉट की सरकार, मतलब जो भी है, क्या फालतू डायलॉग मारे हैं। लेकिन यहाँ पर मरकरी के 100 शॉट्स में आग लगाने जा रहे हैं हम। तो अब तो लाइक कर दो अगर नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब मारो यार फटाफट से, स्काई शॉट फेंक के मारो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आग लगाते हैं, और ये मुझे नहीं पता कि सिर्फ फटेगा या फिर से इसमें विसलिंग निकलेगी या ऊपर जाके नजारे बनाएगा, हमें पता कैसे लगेगा वीडियो देख के। फटाफट से आओ आग लगाते हैं। अब ये हो चुका है ओपन आप लोगों के सामने, और यहाँ पर देखो 100 शॉट्स हैं। अब यार ये ऊपर आ ही चुका है तो इसको फाड़ देते हैं, और यहाँ है इसकी सुरली आग लगाने के लिए। देखो इधर, यहाँ आग लगाएंगे और एक के बाद एक जाके ये हवा में मजे देगा हमें।
स्काई स्पाइडर ने भाई माहौल बना दिया, मतलब इतना ज्यादा अमेजिंग मजा आएगा पता नहीं था बिल्कुल भी। ये मरकरी कंपनी का था और इसने जो धमाके किए ऊपर जाके, कुछ में तो क्रैकलिंग्स थी, कुछ में बहुत अच्छे डिजाइन बने, मतलब सिंपल नहीं था ये कि ऊपर जाए सीधा फटे, नहीं डिजाइन बनाया हर एक और बीच में क्रैकलिंग हुई है, काफी ज्यादा मजेदार चीज थी, मुझे बहुत मजा आया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करो बता दो मुझे। और भाई आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, इतना ही क्या यार, तुम्हारे सारे स्काई शॉट फोड़ दिए हम लोगों ने, अब इतनी मेहनत के लिए तो लाइक बनता ही और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है, फटाफट से कर लो, बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।